नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे विषाणुओं का आर्थिक महत्व। इसमें दो प्रकार से है, एक लाभदायक प्रभाव और दूसरा है हानिकारक प्रभाव। तो पहले लाभदायक प्रभाव को देखते हैं। लाभदायक प्रभाव, तो इसमें अनेक विषाणुओं का उपयोग फसल के लिए हानिकारक जीवों एवं कीटों के उन्मूलन व रोकथाम के लिए किया जाता है। सबसे पहले देखिए, अनेक विषाणुओं का उपयोग फसल के लिए हानिकारक जीवों एवं कीटों के रोकथाम के लिए किया जा रहा है और इसे जैविक नियंत्रण भी कहते हैं। किसे कहते हैं जैविक नियंत्रण? जिसमें विषाणुओं का उपयोग फसल के लिए, जो हानिकारक कीट होते हैं उनके रोकथाम के लिए जो विषाणु उपयोग में लाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को जैविक नियंत्रण कहते हैं। इस प्रक्रिया को जैविक नियंत्रण कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि विशिष्ट प्रकार के विषाणु प्रभेद संवर्धन कर विशिष्ट रोग के निवारण हेतु वैक्सीन के रूप में उपयोग में लिए जाती हैं। कई विशिष्ट प्रकार के विषाणु होते हैं जो रोग के निवारण हेतु वैक्सीन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए, विशिष्ट प्रकार के विषाणु प्रभेद का संवर्धन कर विशिष्ट रोग के निवारण हेतु वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। साइनोफेज व SM1 का उपयोग जल संपूर्ण के लिए नियंत्रण में किया जाता है, जिसे वाटर ब्लूम भी कहते हैं। साइनोफेज LPP1 व SM1 का उपयोग जल प्रस्फुटन, जिसे हम वाटर ब्लूम
भी कहते हैं के निवारण में किया जाता है। और गंगा नदी के जल में, और देखिए गंगा नदी के जल में असंख्य जीवाणु भोजी उपस्थित होते हैं जो नदी के प्रदूषित जल में उपस्थित रोगजनक विषाणुओं का लयन कर नष्ट करती हैं। गंगा जल में असंख्य जीवाणु भोजी पाए जाते हैं जो नदी में उपस्थित रोगजनक, जो रोग फैलाते हैं, रोगजनक विषाणु का लयन अर्थात फटना, लयन कर नष्ट कर देते हैं। अतः ये अपमार्जक का कार्य कर गंगा नदी के जल को सदैव स्वच्छ बनाए रखती हैं। अतः ये अपमार्जक का कार्य करके गंगा जल को सदैव स्वच्छ बनाए रखते हैं। और अनुसंधान कार्य में उपयोगी है हर्शे व चेस ने ही इन पर प्रयोग कर यह सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवंशिकी का रासायनिक आधार है। और साथ में क्या है, अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान में जीवाणु भोजी का उपयोग विकिरण संकेतन के रूप में किया जाता है। किन का उपयोग, जीवाणु भोजियों का, अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान, अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान में जीवाणु भोज्यों का उपयोग संकेतक के रूप में किया जाता है। अनेक विषाणु कण प्रतिजैविक पदार्थों के उत्पादन को रोकने का काम करते हैं। क्या, अनेक विषाणु कण प्रतिजैविक पदार्थों के उत्पादन को रोकते हैं। क्या करते हैं, जो प्रतिजैविक पदार्थ होती हैं उनको, उनके उत्पादन को विषाणु रोकते हैं।
अब हम देखते हैं हानिकारक प्रभाव। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में हम देखते हैं विषाणु होते हैं जो जंतुओं, मनुष्यों व पादपों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। इसमें देखते हैं दो नंबर हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव में हम दो प्रकार के देखेंगे, विषाणुजनित महत्वपूर्ण मानव रोग और विषाणुजनित प्रमुख पादप रोग, इनके बारे में बात करेंगे। तो जो विषाणुजनित मानव रोग होते हैं, जो वायरस होते हैं उसी से संबंधित रोग के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विषाणुजनित मानव रोग। विषाणुजनित मानव रोग जो महत्वपूर्ण होते हैं, ये वायरस के नाम से रिलेटेड है। मतलब जो वायरस है, जिस नाम से वायरस है उसी प्रकार से उसी टाइप के नाम का भी रोग होता है, तो हमें ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए पहला लिखते हैं रोग पैदा करने वाले विषाणु, रोग पैदा करने वाले विषाणु, और इधर लिखते हैं रोग जो इन विषाणुओं के द्वारा होता है। तो सबसे पहले पॉक्स विषाणु, पॉक्स वायरस जो जीव होता है उससे स्मॉल पॉक्स रोग होता है। पॉक्स विषाणु, ये विषाणु हैं, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक, और दूसरा है मिक्सो विषाणु, जिससे कौन सा रोग होता है, खसरा। और अगला है पोलियो वायरस या विषाणु, पोलियो विषाणु, इससे कौन सा रोग होता है, इससे नाम से भी मतलब पता चलता है, इससे पोलियो वायरस से पोलियो रोग होता है। अगला देखते हैं रेबडो विषाणु से रेबीज रोग होता है, और राइनो विषाणु, इसका तो हमें हम सभी को पता होता ही है, पर फिर से देखते हैं राइनो वायरस, इससे रोग होता है, उसका नाम है जुखाम। और छठा देखते हैं हेपेटाइटिस वायरस से रोग होता है हेपेटाइटिस। और अगला देखते हैं आर्थोमिक्सो वायरस,
कौन सा? आर्थोमिक्सो वायरस। इससे जो रोग होता है इसका नाम है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और अब बात कर रहे हैं एड्स रोग की, ये किन वायरसों के द्वारा होता है? तो ये होता है एच एल वी थ्री या सेंट्रोवायरस। कौन सा वायरस? स्ट्रोवायरस, जिसके कारण एड्स रोग होता है। और कोक्सिएकिया वायरस, कौन सा? कोक्सिएकिया वायरस, जिससे कौन सा रोग होता है? पीला बुखार। तो ये तो थे हमारे जो विषाणुजनित मानव रोग। और अब बात करते हैं हम जो इन विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं पादपों में, विषाणुजनित पादप रोग, उनकी बात करते हैं। तो देखते हैं विषाणु जनित पादप रोग। इसमें वायरसों के द्वारा होता है जो रोग, वो रोग देखते हैं। तो देखिए ये प्रमुख रोग है जो पादपों में होते हैं। देखिए टमाटर का कुचिताग्र रोग, यह एक पादपों में प्रमुख रोग होता है। अगला देखिए तंबाकू मोज़ेक, यह भी पादपों में एक प्रमुख रोग होता है। अगला देखिए केले का मोज़ेक और भिंडी या पीला सिरा मोज़ेक। आलू का मोज़ेक और ये जो होते हैं ये पादपों में प्रमुख रोग होते हैं। पपीते का मोज़ेक, और सातवां है मक्के का घाटी रोग और चावल का वामन रोग। चावल का
वामन रोग। तो दोस्तों ये तो थे पादप रोग जो पादपों में प्रमुख होते हैं। तो मैंने ये कुछ आपको बताई है, इनके अलावा और भी बहुत से रोग होते हैं, तो उनकी कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।